देखो, वेरी गुड समा। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखो आप क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 आवर टेस्ट बुक, डीकेसी टेस्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 103। देखो जरा क्या दे रखा है। करेक्ट, पहले सेल्स वेरिएंस बना ले, याद है, रिवाइज हो जाएगा पूरा इसमें एकदम आराम से। हाँ अभी घाई नहीं, एकदम प्रॉपर। स्टेप नंबर वन सेल्स का याद है, सेल्स वेरिएंस क्या बनाते थे, स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट बनाओ। क्वांटिटी रेट अमाउंट कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस स्टैंड कॉस्ट कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स ए बी सी। क्या बजट किया था हम लोगों ने, द मास्टर बजट कॉल्ड फॉर 10,000 यूनिट्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ रुपीज 12, 6,000 ऑफ बी एट द रेट ऑफ 15 और 8,000 ऑफ सी एट द रेट ऑफ 9। ये सेल्स वेरियंस हो जाएगा अपना, जब एक्चुअल सेल करने गए द फॉर्म एक्चुअली प्रोड्यूस एंड सोल्ड 11,000 यूनिट्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ 11.5, 5,000 ऑफ बी एट द रेट ऑफ 15.10 एंड 9,000 ऑफ सी एट द रेट ऑफ 8.55। एकदम प्रॉपर करो तो पूरा रिवाइज हो जाएगा ना अपना। 10,000 इंटू 12 1,20,000, 6,000 इंटू 15 90, 8,000 इंटू 9 72, 10,000 प्लस 6 प्लस 8 24, 120 प्लस 90 प्लस 72, 2,82, 11 प्लस 5 प्लस 9 इज 25,
176,500, 75,500, 76,950 plus 75,500, 2,78,950. All right. First, सेल्स वेरियंस, क्या सेल्स सोचा था 282, क्या सेल आ रहा है 278,950, कम हो गया सेल्स, इट्स ए रेवेन्यू वेरियंस, उतने का लॉस हो गया 278,950, 3050 एडवर्स। सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स रेट वेरियंस, वॉल्यूम ए बी सी 10,6,8, एक्चुअल 11,5,9, 12,15,9, 12, 11.5, 15, 15.10, 9, 8.55 into 11, 5 and 9, याद आ रहा है? बोलो। 1,000 into 12, 12,000 फेवरेबल, ₹15,000 एडवर्स, 9,000 फेवरेबल। देखो जरा, 500 फेवरेबल, 9 less 8.55 into 9, 4050 एडवर्स, 5500 4050 less 500 9050 एडवर्स, -6,000 फेवरेबल, 3050 टैली। अब इसके दो पार्ट कौन कौन से, सेल्स याद है, सब वॉल्यूम एंड सेल्स मिक्स। सब वॉल्यूम 24,000, 25,000, 2,82,000, 282 divided by 24 into 1,000, 11,750 फेवरेबल, चेक कर। ए बी सी 10, 6, 8, 24, 24, 24, ये चेक किया तूने? 25 नहीं, ये वाला सब वॉल्यूम, टेन थाउजेंड फोर वन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन, उसके सामने 11,000 into 12, 7,000 फेवरेबल, 6,24,6,250, उसके सामने 5,000 into 15, 18,750 एडवर्स, 8,24
8333.33 माइनस 9000 इंटू 9 6000 फेवरेबल 7000 फेवरेबल 6 फेवरेबल लेस 18750 5750 एडवर्स 11750 लेस 5750 6000 सही सुनो बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन ना दैट या परफेक्ट मेटल का टेबल बनाए स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज ए बिग सम. अभी ये दोनों लास्ट के दोनों सम एकदम एग्जॉस्टिव है. इसके बाद आई विल गिव यू दिस इज योर डीकेसी सब कुछ पूरा सब कवर हो रहा है एंड आई विल गिव यू सेलेक्टेड ओनली उसको क्या बोलेंगे डीकेसी दिस मच दैट मच फॉर ओनली फॉर योर एग्जाम्स राइट. अब देखो जरा क्या बनाते हैं अपन स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. हाँ तो उसका बनाएंगे ना नोट स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट नोट नंबर 1 क्या स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट राइट मटेरियल एक्स एंड वाई दो तरह का मटेरियल है ना प्रोडक्ट ए बी सी. व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन बोलो ए बी सी के लिए एक्स एंड वाई चाहिए ना अपने को क्या बोल रहे हैं. हाँ पहले ये तो निकालना एक्चुअल इन एक्चुअल 11000 यूनिट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा ना 5 ऑफ बी एंड 9000 ऑफ सी समझा 11000 ऑफ ए 5 एंड 9 अब ले ले कितना इनपुट लगेगा अपने को बोल 2, 4 and 1 2, 4 and 1 दे रखा है एंड 3, 1, 4 36000 5000 33000 22 29 33, 5, 36, 74, 22, 29, 51 मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन. What is your actual production? 11 plus 5 plus 9. 20? 25? क्या बोल रहे अच्छा बोल ये किया कॉपी है बनाओ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट केजी रेट अमाउंट एक्स एंड वाई 51000 केजी
74,000 केजी. एक्चुअल में क्या यूज हुआ? 54,109,620 and 72,73. स्टैंडर्ड रेट क्या था? Y is 1, X is 2. 51 plus 74, 125. 1,02,074. 176. 54,72,126, 109,620, 73, 182, 620, 2.03, 1.01. Variance calculate करो, complete करो इसको. ज्यादा है. वेरी गुड, वेरी गुड. कॉस्ट वेरियंस से जा जाएगा ना. क्या कॉस्ट सोचा था तूने? 1,76,000. क्या कॉस्ट आ रहा है? सब वेरियंस निकालने ऑल. हाँ, स्टेप नंबर टू, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. कितना कॉस्ट? 176, 182, 620. कितने का लॉस? 6,620 एडवर्स. बराबर. मटेरियल यूसेज वेरियंस. बराबर. मटेरियल रेट वेरियंस. मटेरियल यूसेज एक्स एंड वाई. 71,74, 54,72, right? 2 and 1. क्या हो जाएगा? 6,000 एडवर्स, 2,000 फेवरेबल, 4,000 एडवर्स. इधर 2 लेस 2.03, 1 less 1.01 into 54 and 72. 1,620 adverse. Yeah? How will that? किधर जीरो वन है? किधर है जीरो वन? 2,620 कैसे बेस में? हाँ, तो यू टेक 73,000 ऑन योर कैलसी. टेक डिवाइडेड बाई 72 कर. वेट 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 वेट, माइनस कर वन, मल्टीप्लाई कर 72 से. यू विल गेट द सेम अमाउंट. क्लैप क्लैप. आगे मटेरियल, मटेरियल सब यूसेज वेरियंस. देन सब यूसेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट, याद है ना?
125 माइनस 1408, right? Material yield variance, input output, input 125, output 25, 126, 25, 200 के सामने only 125 ना. If the input is 125, output is 25. Say yes or no. If the input is 126, output should be into 1,76,000 divided by 25, because production manager not responsible for price fluctuation. वन फोर जीरो एट आया, हमेशा टैली मिलेगा तेरे को ये, राइट? ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ इनपुट रहेगा, ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट रहेगा. फाइनली मटेरियल बोल मिक्स वेरियंस, याद आ रहा है? देखो एक्स एंड वाई 51 आउट ऑफ 125, तो आउट ऑफ 126 कितना, बराबर 74, 125, 126 कितना, 51,408. सेवेंटी फोर फाइव नाइन्टी टू, उसके सामने 54 एंड 72, टू एंड वन, 51,408 लेस 54 इंटू टू 5184 एडवर्स, 74,592 लेस 72, 2592 फेवरेबल, 5184 लेस 2592 एडवर्स प्लस 1408 मिलके क्या हो गया 4000. चेक द आंसर. Yes or no, right? देख लो एक बार, रिवाइज कर लो बराबर ना. ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट, ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट. समझा? समझा कि नहीं? राइट, परफेक्ट एकदम. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल. चलो एक लास्ट सम देख ले अभी तो. हाँ, ये कंप्लीट सम है, एवरीथिंग इज देयर, मटेरियल इज देयर, लेबर इज देयर,
वेरिएबल ओवरहेड इज देयर, फिक्स्ड ओवरहेड इज देयर, मिसिंग फिगर इज देयर, एवरीथिंग इज देयर. देख जरा बराबर से क्या बोल रहा है. टोटल ओवर हेड्स को अंडरलाइन कर. टोटल ओवर हेड्स 3 आर्स एट द रेट ऑफ 10. क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए कंपोनेंट. बराबर ए कंपोनेंट को अंडरलाइन कर. चल आगे. करेक्ट. 10,000 प्रोड्यूस किया विच वॉज 60% कैपेसिटी ऑफ द बजट. राइट. क्या क्या? हो जाएगा. ठीक है. स्टेप नंबर 1, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म. क्या क्या याद रखना है? लास्ट सम, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ऑलवेज बेस्ड ऑन, ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट योर एक्चुअल प्रोडक्शन. 10,000 यूनिट्स बनाओ टेबल. स्टेप नंबर 1, दिस इज मटेरियल वेरियंस, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? इज 10,000 यूनिट्स. एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000. स्टैंडर्ड क्वेश्चन हाथ में आते ही पहले फॉर्मेट बनाने का. राइट. एक्चुअल यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, लेबर वेरियंस, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस. फिक्स्ड ओवरहेड, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस एंड यूनिट एक्सपेंस. राइट. देन वी कैन डू मटेरियल कॉस्ट वेरियंस डिवाइडेड टू मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड मटेरियल रेट वेरियंस. देन लेबर कॉस्ट वेरियंस डिवाइडेड टू लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, देन ओपन फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट. याद आ रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड
वॉल्यूम वेरियंस. देन वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस. सही है सुनो फ्रेंड्स. ऑल राइट, समझ में आ रहा है? इतना कॉपी किया. अब देखो, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? 10,000. वन यूनिट इज रिक्वायर्स टू यूनिट्स, तो 10,000 इंटू टू बोलो 20,000. एक का रेट 15, दिस कम्स टू 3 लैक्स. देन 3 आवर्स, 10,000 इंटू 3 30,000. एक का रेट 10,000 30. व्हाट इज द रेट? रेट इज 20, दिस कम्स टू 6 लैक्स. अभी ये दे रखा है टोटल ओवरहेड, तो अपने को रेट नहीं पता है, राइट? तो क्या करेंगे, 10,000 इंटू 3 30,000. क्या 60 है? क्या 10,000? 10,000 ही है ना, तू ध्यान दे भाई बराबर यार, है ना. अब बजटेड यूनिट्स क्या आएंगे अपने? 10,000 विच इज 60%, तो 100% क्या हो जाएगा? 16,666.67. वॉट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? 10,000 विच इज फाउंड टू बी 60%. क्लियर हुआ यहां तक? अब देख आगे क्या बोल रहा है. एक्चुअल लेबर कॉस्ट 6,50,000 बराबर. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 2 लैक्स. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 3 लैक्स. मेटेरियल प्राइस वेरियंस 70,000 एडवर्स. मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस 50,000 फेवरेबल. लिख रहे हो ना बराबर? देन लेबर रेट वेरियंस 50,000 फेवरेबल. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 50,000 एडवर्स. यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? ऑल राइट, समझ में आ रहा है? अब देख, ये 70, ये 50 फेवरेबल, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 20,000 फेवरेबल. क्यों, क्या दे रखा है? मेटेरियल क्या दे रखा है देख जरा तू. मेटेरियल प्राइस वेरियंस 70,000 एडवर्स. मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस 50,000 एडवर्स है ये. तो 20,000 क्या हो जाएगा? फेवरेबल. बराबर से रीड कर. मेटेरियल प्राइस वेरियंस 70,000 एडवर्स. मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस 50,000 एडवर्स. क्या हो जाएगा? 20,000 फेवरेबल. बराबर. अभी देखिए 3 लाख, तो ये क्या हो जाएगा? 3,50,000. बोल जा सुनो, 350. अब देख मटेरियल यूसेज, यूसेज क्या होता है? 20 माइनस समथिंग इनटू 15. सो 20,000 डिवाइड बाय 15, डिफरेंस इज 1,333. फेवरेबल है तो उतना कम यूज हुआ होगा. से यस और नो? 18,666.67. 18,666.67. 3,50,000 डिवाइडेड बाई 18,666.67 क्या आएगा? 18.75. तो 15 माइनस 18.75 इंटू 18,666.67. बोल. समझा या नहीं समझा? बोल.
क्या कॉस्ट सोचा था? 6 लैक्स. क्या कॉस्ट आ गया? 6,50,000. कितने का लॉस आ गया? और यहां पे क्या आ जाएगा? 1 लैक एडवर्स, क्योंकि 50 फेवरेबल है ना, तभी तो 50 एडवर्स आएगा. सही है, सुनो, 1,50,000. अब ले ले एफिशिएंसी, 30 माइनस समथिंग इनटू 20, 1 लैक डिवाइड बाय 25,000, ये क्या हो जाएगा? 35,000. 35, दोनों में 35 आएगा. लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड सेम रहता है ना, बोलो. 650 डिवाइडेड बाय 35,000 क्या आएगा? 18.57. तो 20 लेस 18.57 इंटू 35,000. फ्रैक्शन को सेम लेने का, राइट. 650 डिवाइड बाय 35 जो भी आएगा उसमें से 20 माइनस कर, 35 से मल्टीप्लाई कर, सेम आएगा. सही है, सुनो, बराबर है, बोल, है ना? यहां तक कंप्लीट किया तूने? मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 35,000 क्या आएगा? 5.71. टू बैंक, ये नहीं, ये तो वेरिएबल ओवरहेड कर रहा है ना, फिक्स्ड ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड में क्या दे रखा तेरे को? एक्सपेंस वेरियंस. इसका मतलब एक्सपेंस मैनेजर ने जो बोला था उससे हमने कितना ज्यादा खर्चा किया? 50,000. जो एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2,50,000 है ये. 250 डिवाइडेड बाय 16,666.67 तेरा क्या आएगा? रिकवरी रेट 15 और एक्चुअल यूनिट्स 10,000. क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये रिकवरी रेट क्या आया? 15. एक्सपेंस वेरियंस 50,000 एडवर्स, तेरा एक्सपेंस कितना है? 3 लाख. तो तेरा बजटेड कितना रहा होगा, बोल? 2,50,000. तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई दिस तेरा क्या आएगा? 15. बोलो, राइट. टू बैंक 3 लैक्स. सही है, सुनो, बाई रिकवरी 10,000 इंटू बोल 15 कितना हुआ? 150 बाई अंडर रिकवरी कितना आया? 1,50,000. रिकवर्ड ओवरहेड 150 माइनस एक्चुअल ओवरहेड 3 लैक्स, कितने का लॉस हो गया? 1,50,000. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, हाँ, 16,666.67 माइनस 10,000 इंटू 1 कितने का लॉस हो जाएगा? 1 लैक. व्हाट इज द, या 15 ही तो नहीं, 15. अच्छा, सॉरी, 16,666.67 ये तेरी बजटेड यूनिट्स थी, ये तेरी एक्चुअल यूनिट्स हैं 1 लैक, बराबर. क्या क्या ध्यान रखना है अपने को, एक बार रिवाइज करते हैं. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन, यहां तक कंप्लीट हो गया. अब क्या बचा? वेरिएबल ओवरहेड, बराबर. अब देख, तेरा टोटल ओवरहेड पर यूनिट क्या दे रखा है? टोटल ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट शीट में देख, 30 रुपीज. टोटल ओवरहेड पर यूनिट क्या दे रखा है? 30. उसमें से फिक्स ओवरहेड कितना है? 15. तो वेरिएबल ओवरहेड कितना बचेगा? एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा? 1,50,000. टोटल ओवरहेड तेरे को दे रखा है कॉस्ट शीट में 3 आवर्स इंटू 10. टोटल ओवरहेड 3 आवर्स इंटू 10 कितना आएगा? 30. बहुत स्लो नहीं करने का, पेपर टफ रहता है, राइट, लेंदी रहता है, प्रैक्टिस करने का, फास्ट अपने को विद इन द टाइम भी करना है, करेक्ट भी करना है, ठीक है.
फिक्स्ड ओवरहेड कितना 15, तो वेरिएबल ओवरहेड कितना बचा 15. वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बोलो एक्चुअल. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000, कितना हो जाएगा 150 बराबर. अगर ये 150 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 रुपीज. बोल 150 के सामने कितना लगेगा तेरे को 2,50,000 एडवर्स. रेट का देख ले, 5 - 5.71 × क्या आएगा. अरे कैसे 21,300 वे, मैंने बोला ना 2 लैक्स डिवाइडेड बाई कर 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 35,000 क्या आएगा 5.71, उसमें से माइनस कर 5 × 35,000 कर क्या. व्हाट आर यू डूइंग डूड, व्हाट आर यू डूइंग. से यस ऑर नो, हो गया कंप्लीट एवरीथिंग. बराबर. अब देख लिख ले आंसर क्या क्या है. आंसर नंबर 1 कौन सा होगा तेरा, एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट इनकर्ड. आंसर नंबर 1 ठीक है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल. इट मींस आंसर 2 कैसे निकाल सकते हैं अपन, एक्चुअली कंज्यूम्ड है 18,666.67 × 15 निकाल के आएगा. टू लैख 80,000 80 ना. देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किधर है, आंसर नंबर 3 समझा. वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी आंसर नंबर 4 बोल. वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर आंसर नंबर 5 बोल. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 6. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस 7. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम आंसर बराबर. देख एक बार रिवाइज कराता हूं क्या था अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. वेन एवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट राइट. वेन एवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट फ्लक्चुएशन ठीक है. फिर हम लोग क्या करते थे, सेल्स वेरियंस. स्टेप नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव ट्राई टू पुट इन टेबुलर फॉर्म, देन कंपेयर विद एक्चुअल. इन केस ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. वाई, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. परफेक्ट. मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटेरियल यील्ड वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. स्टेप नंबर 1 व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन ट्राई टू पुट इन टेबुलर फॉर्म एंड देन एनालाइज द वेरियंस. मैंने तेरे को अपना डीकेसी डीकेसी आरटीपी डीकेसी प्रैक्टिस मैनुअल डीकेसी एक्सपीरियंस जो हमारी इंटरनेशनल फॉर्म है वो कराए सम्स, प्लस जो नया आईसीआई ने जो मॉड्यूल दिया है उसका एक एक सम अपन ने होमवर्क में कंप्लीट कर लिया. अपन ने अपने हिसाब से सीरियल नंबर दिया है और
उनका क्या सीरियल नंबर है वो भी उसमें रहने दिया है, क्वेश्चंस एंड विद सॉल्यूशन, राइट सॉल्व, ओके। सो दैट इज एंड ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।